दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोग सीखने वाले हैं कि आप अपने फोन के प्ले स्टोर एप्लीकेशन को कैसे अपडेट करें। जी हाँ दोस्तों, हमारे फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। किसी भी एप्लीकेशन का अपडेट आता है तो हम डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाकर उन ऐप को अपडेट करते हैं, लेकिन अगर हमारे फोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन का अपडेट आएगा तो उस प्ले स्टोर एप्लीकेशन के अपडेट को हम कहां से करेंगे। ऐसे में बहुत से लोग अभी नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से वह प्ले स्टोर एप्लीकेशन को अपडेट नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे कि प्ले स्टोर ऐप को कैसे अपडेट किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन का अपडेट आता है तो प्ले स्टोर एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर को ओपन करना होता है। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करेंगे तो कॉर्नर में यहाँ पर लोगो दिखेगा जीमेल वाली, इसके ऊपर में क्लिक करना है। सबसे नीचे सेटिंग दिखेगी, सेटिंग पर क्लिक करना है। सबसे नीचे आप देखोगे कि यहाँ पर अबाउट की एक सेटिंग दिखेगी, इस अबाउट वाले पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहीं पर आपको प्ले स्टोर वर्जन नाम की एक सेटिंग होगी, यहीं पर ब्लू कलर में लिखा होगा अपडेट प्ले स्टोर। यह जो ब्लू कलर की लिंक है ना, इस पर आपको टैप करना है। अगर आपके प्ले स्टोर में अपडेट होगा तो आप यहां पर क्लिक करते ही आपका प्ले स्टोर अपडेट करने के लिए कहेगा, यहां अपडेट का ऑप्शन आएगा, आप उसको अपडेट कर लेना। अगर आपका प्ले स्टोर पहले से अपडेट है तो यहां पर लिख देगा गूगल प्ले स्टोर इज अप टू डेट, यानी कि हमारा गूगल प्ले स्टोर अपडेट है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अपडेट नहीं होगा तो यहां पर अपडेट करने के लिए कहेगा, अपडेट पर क्लिक कर आप प्ले स्टोर ऐप को यहाँ से बहुत ही आसानी से अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्ले स्टोर ऐप को बहुत ही इजीली अपडेट कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं यही बता रहा था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।